बड़ी फिल्म गलतियाँ आप कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, देख रहा हूँ खाने का भी ख्याल आपको नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी फिल्म है ये? फिल्म एक लव स्टोरी है, एक गरीब लड़की की कहानी है, एक अमीर लड़की की, जो नॉर्मल स्टोरी है। कैमरा लोग जो नॉर्मल एक स्टोरी होती है कि एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की, अब इनकी लाइफ में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इन लोग भाग के शादी करते हैं और बहुत सारी अप एंड डाउन है, थ्रिल है इसमें, थ्रिल है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, कॉमेडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं भी पूरी स्टोरी बता दूँगा तो शायद कोई देखने नहीं जाएगा, तो यहाँ तक की स्टोरी है फिल्म। और दो खूबसूरत लड़कियाँ बगल बैठी हैं, इनका परिचय हम देना चाहेंगे। इनका नाम है अनुपमा पल्ला, महक का करे निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, सॉरी फॉर दिस। इनका नाम अनुपमा है और फिल्म में निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इनका नाम जयश्री है, फिल्म में ये हीरो की आंटी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक दोनों का ये एकदम ग्लैमर कमर्शियल एस्पेक्ट से इनका काम, मतलब कैरेक्टर्स है, बोल कैरेक्टर्स है, इन दे आर प्लेइंग वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। जैसे ही मेरा सवाल आपसे होगा, बहुत सारे डायरेक्टर के साथ आप काम किए होंगे, मासूम जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैंने इनको थोड़ा तंग ही किया है पहले दिन से लेकर आज तक, मैंने बहुत तंग किया, लेकिन इन्होंने बहुत संभाल के लिया और इतना अच्छा डायरेक्शन, मैं फर्स्ट, मेरी पहली फिल्म है ये हिंदी, इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने के लिए मिल रहा था, ये भाग्य की बात है मेरी। टीम वर्क मेरा अकेले का कुछ नहीं है, और सच में वो टीम वर्क लेके ही काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मासूम सर, फिल्म के एक्टर विनोद कुमार जी और एक्ट्रेस गौरी जी, उनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये तंग कर रहे हैं सीन देने? हम सब तंग कर रहे हैं। विनोद जी एक नए फर्स्ट टाइम आ रहे, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा वो कर पाएंगे, बट ही फिल्म वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समटाइम्स होता ना ऊपर नीचे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। गौरी एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, उसने बहुत अच्छा काम किया है और एज अ ये छोटे बजट की फिल्म है, फिल्म छोटी नहीं है, मतलब होता है होती ना छोटे बजट की फिल्म होती है उसमें हम फिर खाली फिल्म कंप्लीट करते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये फिल्म छोटे बजट की, लेकिन हम अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे शूट कर रहे हैं। शहबाज खान सर, मुश्ताक भाई, हैरी जॉश, गौरी, विनोद जी, अनुपमा, बहुत अच्छा नाम है, अच्छी चीज़ें मेरे मुँह से नहीं आती, अनुपमा, जयश्री जी, ये सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फिल्म में, होप फॉर द बेस्ट। इन्होंने परफॉर्मेंस करके लिया है। मैं चाहता हूँ विनोद और गौरी जी को भी आप सवाल किए जाए, उठानी पड़ रही है बार बार रिजेक्ट करना या क्या परेशानी है? इनमें मैंने इन दोनों में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, विनोद जी में और गौरी में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी है, अगर मैंने कुछ बोला मतलब कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो लोग का ये नहीं कि एडमेंट नहीं है कि नहीं मतलब हम यही करेंगे, या बॉन्ड नहीं है कि नहीं हम इसके आगे नहीं कर सकते, दायरा नहीं है, लोग ट्राई कर रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लोग मतलब उस परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क करने की ट्राई कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, सो दे आर वेरी गुड। रीटेक्स तो डेफिनेटली होते हैं इस फिल्म में, ऐसे भी शॉट्स है जो एक टेक में ओके हुए हैं और ऐसे भी शॉट्स है जिसमें 25-25 30-30 टेक्स हुए हैं। मेरे से नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं कैमरा, और इन्होंने बहुत अच्छा किया, और जिस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आया हूँ, मैंने कभी कोई पिक्चर में काम किया नहीं, कोई थिएटर किया नहीं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आया हूँ, जिस तरीके से मैं आया हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब ने, मासूम अली जी ने मुझे काफ़ी संभाला है, काफ़ी संभाला, मतलब ये हमारी पिक्चर की जान है, अगर रीढ़ की हड्डी, हम कहते थे ना कि रीढ़ की हड्डी अगर इंसान के पास वो नहीं होती तो इंसान किसी काम का नहीं होता, तो ये इस पिक्चर की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ तक हमारा अंदाजा मासूम भाई है, तो फर्स्ट टाइम इनका हाथ के नीचे से निकल रहे हैं, तो ऑडियंस हमें काफ़ी पसंद है। मासूम जी, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या उम्मीद आपको फिल्म गलतियाँ से? दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग बिल्कुल फिल्म देखो, फिल्म देखे बिना आप लोग जजमेंट नहीं ले सकते, छोटे बजट की अच्छी फिल्म है, अच्छे पैमाने पर हम शूट कर रहे हैं। अब रही बात उम्मीद की, उम्मीद तो मतलब ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट से, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, है मैं उम्मीद जीरो रखता, अच्छा हो बुरा हो वो ऑडियंस के हाथ में है, और उनमें आप भी हैं, हम भी हैं, सभी फिल्म की उम्मीद में जीरो इसलिए रखता हूँ, भले मैं 100 करोड़ की उम्मीद करूँ, फिल्म अच्छी बनेगी तो चलेगी, बुरी बनेगी तो फ्लॉप होगी, मैं फिल्म अच्छी, बहुत अच्छी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और बहुत अच्छी बन रही है। जीरो इसलिए कि फाइनल कॉल होता है ऑडियंस का और हमारा सोचा कुछ नहीं होता है, काम 100%, उम्मीद जीरो, दैट इज़ व्हाट आई मीन।
तो कहाँ कहाँ से आप लोग रिलीज करने वाले हैं, पूरे भारत में एक साथ या सिर्फ मुंबई या नहीं? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज करेंगे हम लोग, अच्छे पैमाने पर रिलीज करेंगे और हम टाइम भी करेंगे, अच्छे कॉर्पोरेट से टाइम करेंगे, बट वो फिल्म मेकिंग के बाद एक बार फिल्म हमारी जो कम्प्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग टाइम करेंगे और दे विल टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app and never miss another update.